तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले सिंचन की, हमें क्यों नहीं देखने को मिल पा रही है न्यू मूवी, इसके क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो मैंने इस पर पहले भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि हमें सिंचन की न्यू मूवी क्यों नहीं देखने को मिल पा रही है। अगर आपको वो वाली भी देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां जाके देख लेना। तो यार अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो यार चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, चलो हम जल्दी से इंट्रो लगा। तो यार जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमें लास्ट मूवी जो सिंचन की देखने को मिली थी वो मिली थी कांटा लगा। उसके बाद अभी तक कोई सी भी न्यू मूवी देखने को नहीं मिल पा रही है। और भाई जो कांटा लगा मूवी थी वो आई थी 2017 में, उसके बाद हमें 2020 आ चुका है और न्यू मूवी नहीं देखने को मिल पा रही है। यार आपको लगता होगा कि सिंचन के कुछ ऐसे कारण है जो इंडिया में नहीं चाहता ऐसी मूवीज लाना, जैसे कि कहीं भी नंगू पतंगू हो जाना सिंचन का। और भी कुछ कारण है जैसे कि जो बच्चों के लिए नहीं होते, मतलब एडल्ट के लिए होते हैं, इसलिए हमें नहीं देखने को मिल पा रही है। पर यार ये मेन कारण नहीं है, इससे भी पहले एक कारण है, वो कारण ये है कि भाई सिंचन की जो मूवी है उसे भाई अभी तक राइट नहीं मिला है, मतलब इंडिया में अभी तक उसका राइट नहीं मिला है कि इसे पब्लिश करा जाए। तो यार मेरी चोट सही हो चुकी है और भाई आज आ चुका हूं मैं फ्रेश होकर बिल्कुल, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका हूं। तो यार जैसे कि आदिम ने बोला कि भाई जो मूवी है ये इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक इसे राइट्स नहीं मिले हैं इंडिया के, मतलब इंडिया ने अभी तक इसके राइट्स नहीं खरीदे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अभी तक इसके राइट्स नहीं मिले हैं इंडिया को। तो यार जैसे कि आपको पता होगा जो सारी एनिमेज है जापान की, वो सारी पब्लिश कराती है जापान में TvAsahi। और मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई TvAsahi को बाहर कंट्रीज में पब्लिश करनी है कोई सी मूवी एनिमेज की, जैसे कि भाई शिनचैन, डोराएमोन और भी जो एनिमे है उन्हें पब्लिश कराना है, तो भाई वो किसी और को राइट्स देते हैं। और उनमें से एक है स्पेस टून। स्पेस टून जो है वो हर कंट्री में जाके सबको राइट्स देती है मूवीज के। तो यार बात के तो स्पेस टून की एक ब्रांच भी है इंडिया में जिसका नाम है स्पेस टून इंडिया। यार और जगह भी मुझे नहीं पता पर इंडिया में इसकी ब्रांच है जिसका नाम है स्पेस टून इंडिया। अब बात के तो भाई अभी तक जो है स्पेस टून इंडिया ने अभी तक हंगामा को ये नहीं दिए राइट्स कि तुम पब्लिश कर लो शिनचैन को। तो यार भाई मेनली इसका यही कारण है कि हमें इसी कारण नहीं देखने को मिल पा रही है शिनचैन की न्यू मूवी इंडिया में। तो यार आज की इस वाली वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, चैनल पे न्यू प्लीज सब्सक्राइब जो कर देना, चलो हम सबको बाय कर दे। तो यार भाइयों अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर तो जाके जल्दी से कर दो, और भाई हमारा सेकंड चैनल भी उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दो, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए भाइयों टाटा, सी यू, बाय बाय।